सो जी ये हो रहा है, मेकअप हो रहा है कि स्किन केयर हो रही है? मेकअप हो रहा है। तो ये मेकअप हो रहा है, थोड़ी देर पहले अनिया अपनी स्किन केयर शूट कर रही थी, तो वो आप देख सकते हैं ट्राइपॉड है और यहाँ पे ये अपनी तैयारी कर रही हैं ब्लॉगर। तो जी आज का जो दिन है वो मैं अपनी बीवी के बगैर गुजारूंगा, बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर। सो आई विल मिस यू। आर यू गोना मिस मी टू? या, यू लुक सो प्रीटी। What are you going to do without me? I'll spend some time with Amma. So the only time we haven't been together since we got married was when I came from Karachi jaldi and Anya 3 din baad aayi thi, to wo probably sirf 3 din the when Anya ke bagair guzare. It's okay, have fun. To main ja kaha raha hu, ye to maine aapko bataya hi nahi. To story time. To main ja raha hu bro se milne. Bro kaun hai? Bro ek kaifiyat hai. To bro mera ek dost hai jisko humne naam diya hai bro ka. तो उसका नाम हैदर है एंड मेरा तकरीबन ए लेवल से दोस्त है एंड थोड़ा सा यू नो अनयूजुअल फ्रेंड है। अब मैं आपको थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो बेसिकली ब्रो अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा बोलता था, यू नो बचपन से ही, जब से मतलब एटलीस्ट यू नो 13-14 साल के हम थे तो तब से ब्रो बहुत अंग्रेज़ी बोलता था और आज भी हम ब्रो का मजाक उड़ाते हैं कि ब्रो कोई लफ्ज़ बोलेगा जैसे ब्रो ये इतना मेटाबॉलिकली टैक्सिंग है, तो हम बोलते एक मिनट रुक 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 एक मिनट लिख लें ताकि हम यूज़ कर सकें। तो ब्रो हमारी वोकैबुलरी है, ब्रो हमारी डिक्शनरी है, ब्रो हमारी ट्रांसलेशन है। तो ये खैर हम ब्रो का मजाक चलता रहता है हमारा। ब्रो की अपडेट मैं आपको देता हूँ। ब्रो बेसिकली एक डॉक्टर है, मेरा एक साल सीनियर होता था स्कूल में। तो जब मैं स्कूल में होता था तो मुझे मेरी रैगिंग बहुत होती थी, तो देर यूज़ टू बी डिफरेंट रीजन्स एंड ब्रो यूज़ टू बी वन ऑफ माई फ्यू फ्रेंड्स हु यूज़ टू प्रोटेक्ट मी एंड हु यूज़ टू स्टैंड बाई मी। तो बैक इन द डेज ब्रो यूज़ टू बी लाइक रियली बिग, रियली स्ट्रॉन्ग। तो यू नो सब डरते थे, तो जब मुझे कोई मारने आता था या मेरी कोई रैगिंग करने आता था तो ब्रो यूँ खड़ा हो जाता कि ब्रो ईजी हो जाओ। तो ब्रो बहुत ही एक अच्छा दोस्त था, स्पेशल फ्रेंड था। फिर ब्रो जब MBBS ब्रो का हो गया तो ब्रो ने टिकट कटाई UK की कि यार अब मैं UK में जाऊंगा और वहाँ प्रैक्टिस करूंगा। तो अभी उसकी सारी चीज़ें हो गई, अभी उसको वर्क परमिट मिलना था, तो अभी अपना वीज़ा रिन्यू कराने आया है ब्रो। तो ब्रो के पास अब हम जाएंगे और अब ब्रो ज़रा NHS का डॉक्टर बन गया तो ज़रा भरम भी ब्रो के ऊपर चले गए। तो ब्रो ने बुलाया कि यार मेरे पास आ जाओ। तो अब ब्रो रहता कहाँ है? ब्रो ज़रा रहता है बहुत दूर। तो पहले ब्रो रहता था मेरे घर के बहुत ही पास, 10-15 मिनट की ड्राइव होती थी इस्लामाबाद में, 10-15 मिनट की ड्राइव एक नॉर्मल ड्राइव होती है। तो अब ब्रो शिफ्ट हो गया है बैरिया इनक्लेव उर्फ मिलोट। तो बैरिया इनक्लेव जिनको नहीं पता वो बैरिया टाउन की एक सब्सिडरी टाइप की है, एक सोसाइटी है, तो वो एक गांव के साथ है जिसका नाम है मिलोट। तो हम बेसिकली उसको छेड़ते हैं कि तुम मिलोट हो। और वो पता किस तरह का आदमी है कि वो जब वहाँ से आएगा ना, वहाँ से तकरीबन 40-45 मिनट्स की ड्राइव होती है, तो जब वो ऑल द वे वहाँ से इस्लामाबाद आता है तो ही मेक श्योर कि मैं हर एक काम कर लूँ, मुर्गी भी ले लूँ घर की, सामान भी ले लूँ, सौदा भी ले लूँ, दोस्तों से भी मिल लूँ, लंच भी कर लूँ, डिनर भी कर लूँ, जिम भी लगा लूँ, सारे काम वो करके जाता है। तो ब्रो बहुत ही किफ़ायतशार है और ब्रो मेरा किफ़ायतशारी में एक भाई रहा है बड़े लंबे अरसे तक। तो ब्रो सारे काम करते करते मिलोट वापस जाता है क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे तो कोई दुकान है नहीं इस तरह की। तो ब्रो को वापस लैंड हुए कुछ दिन हो गए हैं लेकिन मैं उससे नहीं मिल सका, थोड़ी सी मसरूफियात थी उसकी भी मेरी भी। तो आज हमने स्केड्यूल करा कि यार चलो आज संडे है, आज हम मिलते हैं फाइनली। तो अब मैं जा रहा हूँ ब्रो के घर, तो ब्रो के घर जाके आपको मिलवाते हैं ब्रो से। तो जी मैं फाइनली बैरिया इनक्लेव पहुंच चुका हूं, मैं ब्रो के घर के सामने हूं। अब जरा ब्रो को फोन करते हैं और उसको बोलते हैं कि बाहर आए। ब्रो हाँ ब्रो मैं बाहर हूं ब्रो। आगे मैं आ गया, एक मिनट। ओके ब्रो। ओह ब्रो, हेलो, how are you? Bro, kaisa bro? Who do I talk to, the camera or you? I'm bro, you talk to me. 6 months, man. Talk to me, bro. So now you know why we call him bro. It's raining, it's windy, I'm just not used to it. And my camera is in weather seal. Can we go inside? I have no idea what that means. I don't care to be honest. Come on, let's go inside. Hi, Zed. Hello. How are you? I'm fine. So Zed is Heather's younger brother. Yeah. Long time no see. Long time no see. Meanwhile. तो जी अली अपने friend के घर गया हुआ है and I am at home and it's a Sunday so I don't really have much to do. मुझे अपनी एक video shoot करनी थी जो मैंने कर ली है and now I'm gonna set the room, clean it up, clean his cupboards. की अलमारियाँ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, हालांकि मैंने अभी कुछ time पहले ही सही की थी but man.
तो खैर मैं कमरा साफ करूंगी और क्या कहते हैं शीट्स चेंज करूंगी अच्छा सा. आज मेड भी नहीं आई तो सफाई भी करूंगी, उसके अलमारियां सेट करूंगी. वी गोना सरप्राइज हिम विद अ वेरी वेरी क्लीन रूम. अभी कमरे की क्या हालत है और अली साहब क्या हाल करके गए हैं आपको दिखाते हैं. तो जी ये देखिए ये करंट सिचुएशन है कमरे की. ब्रूनो भी कमरे में था तो उसके बाल भी हर जगह गिरे हुए हैं बिकॉज इट वॉज रेनिंग एंड उसको हम लोग बाहर नहीं छोड़ सकते थे. और अलमारियों का हाल देखिए आप. ये देखिए समझ नहीं आ रही है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, बट शुरू करते हैं एंड वन स्टेप एट अ टाइम एंड होपफुली इट विल बी डन बाय द टाइम ही गेट्स बैक. लेट्स डू दिस. भाई तो हो जाएगी भाई, पहले हम लोग खाना खाएं और शो देखें. तो जी कमरा तो साफ हो गया, झाड़ू लग गया, सब कुछ हो गया, सेट कर दिया. अब अलमारियाँ शुरू करूँगी मैं. बिस्तर मैंने अभी इसलिए नहीं बनाया बिकॉज मैं अलमारी से निकाल के कपड़े बिस्तर पे रखूँगी एंड चादर भी चेंज करनी है, बट इट्स स्लोली कमिंग टुगेदर. लेट मी शो यू. तो जी ये आई नो अभी भी बहुत मैसी लग रहा होगा बिकॉज जब तक बिस्तर नहीं बनता तब तक कमरा कमरा नहीं लगता. बट या जो सारे बाल थे वो सब साफ़ कर दिए हैं, पोछा भी लग गया है, दराजें भी मैंने एक्चुअली अंदर से काफ़ी साफ़ कर दी हैं. तो अब शुरू करते हैं एक एक खाना करके अलमारियाँ करते हैं, चादर चेंज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कबर्ड फर्स्ट. सो सब कुछ हो गया है. मैंने जब शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सब दिखाऊंगी, बट वंस आई स्टार्टेड मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट हो गई उसमें कि आई जस्ट यू नो केप्ट गोइंग एंड केप्ट गोइंग एंड नाउ इट्स ऑल डन. लेट मी शो यू. देखिए जी द रूम इज डन, बेडशीट्स चेंज्ड, वी हैव कैंडल्स, ड्रेसिंग टेबल भी सेट हो चुकी है. आई इवन डिड सम ऑर्गेनाइजिंग, मैंने अली की दवाइयों वाली दराज भी सेट कर दी एंड देन आई क्लीन्ड माय ओन ड्रॉअर. ये थोड़ी सी ऑर्गेनाइजिंग की है, इधर थोड़ी सी ऑर्गेनाइजिंग की है मैंने अपनी मेकअप ड्रॉअर्स की, ये ड्रॉअर्स भी ऑर्गेनाइज किए. देन आई ऑर्गेनाइज्ड माय ज्वेलरी सेक्शन. और अब आपको अली की अलमारियाँ दिखाते हैं भाई. ये देखिए ये हो क्या है, ये तो खैर साफ ही थी. इधर नीचे अली का जिम बैग आ गया है एंड दिस इज डन एज वेल. सो वी आर ऑल डन. आपने देखा था वो अली का बेचारा सा शू ऑर्गेनाइजर था एंड देन दिस इज माइन जिसमें खाने कम पड़ गए मगर No amount of shoes are enough, right? बाहर मेरे ससुर जी बैठे हुए हैं और वो इतनी देर से देख रहे हैं कि हमजा भी घर पे नहीं है और ये अकेली कमरे में बैठी हुई है. उनको लग रहा है कि मैं मुझे कुछ आइसोलेशन में बैठने का शौक है और या मैं डिप्रेस हूँ या कुछ. तो बार बार मुझे आके बोले जाओ उधर जाके अपनी अम्मा के साथ बैठो, हमना के साथ बैठो. तो इट वॉज वेरी क्यूट. नाउ आई एम गोना चिल विद देम फॉर अ बिट जब तक अली नहीं आ जाता. तो गाइस थोड़ी देर पहले आपको मैंने मिलवाया था जैद से. सो जैद इज दिस tiny little cute kid. So इसको हम तब से देख रहे हैं जब ये इतना छोटा सा था, अब ये बहुत बड़ा हो गया. इतना छोटा नहीं, इसको ये उस वक्त से देख रहे हैं जब ना ये इतना छोटा होता था, literally इतना छोटा. और अब ये जरा बहुत माशाल्लाह बड़ा हो गया and he's a very very smart kid. अब हमें अभी 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 प्रूफ मिला है कि जैद इज एक्चुअली वेरी स्मार्ट. एंड जस्ट बाय द वे मेरे से अभी जैद ने पूछा कि व्हाट हैपेंड हेयर, आई एम लाइक यार वो मैंने ना आई पुट अ बैंडेड हेयर बिकॉज़ आई हैड अ रियली अगली पिंपल. इज लाइक यू लुक अगली लाइक दिस. Ouch! So, Zed basically Rubik's cube जो होते हैं, जिनको नहीं पता दिखाओ प्लीज. ये इस तरह के होते हैं. Basically ये होते हैं, they're cubes और आपको ये solve करना होता है. They just move on an axis like this and everything. तो आपको जो मेरे से कभी जिंदगी में ये solve नहीं हुए. I've tried a lot of times, but I always failed. You know, I just considered myself dumb enough कि मेरे से नहीं होते. तो मैं आई वाज सो सरप्राइज्ड, जैद जस्ट सॉल्वड वन रूबिक्स क्यूब इन लाइक 5 seconds एंड द अदर वन इन लेस देन 30 seconds. अभी आप लोगों को भी दिखाते हैं. देखो मुझसे तो घूमता भी नहीं है सही तरह, तो वैसे ही घूम जाते हैं. ओके दिस इज द इजीएस्ट एंड दिस इज हार्डेस्ट. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द इजीएस्ट. स्क्रैम्बल. सो आई एम सपोज्ड टू स्क्रैम्बल इट. ताकि लुक हां ये देखिए ये जैसे कार्ड्स की शफलिंग होती है वैसे रूबिक्स क्यूब की शफलिंग होती है. पीपल बिलीव दैट इफ यू लुक यू कैन समहाउ चीट बट यू कांट डू दैट. Okay. Ready? Ready.
Okay, I'm gonna do you. मुझे पता नहीं है लेकिन ये बहुत मुश्किल है मुझसे ऐसे ही घुमा रहा ऐसे ही घूमता है अब दे दूं अच्छा ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ Okay, yeah, that, and I can go here, and I don't even know why I'm talking. इसके हाथ भी इतने बड़े नहीं. तो छोटे-छोटे से आते हैं. वो पूरा भी नहीं आ रहा. अच्छा, we're not gonna disturb you. Sorry. Done. What the? ये देखिए जी. It's this is done. तो जो फनीएस्ट पार्ट है वो ये है कि मैं जैसे ही घर आया ना तो जैद को मैंने बोला कि अच्छा जैद आ जाओ तो कहते जी मैं आ रहा हूँ एंड मैंने हैदर की अम्मी को बोला मैंने कहा आंटी इसको क्या हो गया ये इतनी उर्दू क्यों बोल रहा है बैक स्टोरी ये है कि जैद को अगर आप उर्दू बोले ना कि जैद क्या करे तो इज गोना बी लाइक तो वो बेसिकली आंसर ही नहीं करता था तो नाउ असल में हुआ ये है कि माशाल्लाह से जो इसके ग्रेड्स आ रहे थे ना उर्दू में वो काबिल नहीं थे तो इसको क्लासों में भी ऊपर जाना था तो थोड़ा सा इसको घर से जरा मामा ने किया है करने वाला हूँ तो मामा ने किया इस वजह से ओके 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 आर यू डन आर यू डन आर यू डन डन ओह लुक एट दिस बॉयज एंड गर्ल्स डू आई गेट अ हाई फाइव थैंक यू ओके सो नाउ व्हाट आर वी गोना हैव चॉकलेट मिल्क नो व्हाट आर वी गोना हैव द बिग बॉयज Coffee? We're gonna have the real coffee, not your average coffee. हैदर की आपको बैक स्टोरी देता हूँ कि हैदर और कॉफी का एक अजीब एक रिलेशनशिप है अजीब अजीब मेरे रिलेशनशिप को ना कहो एक बहुत खूबसूरत हाँ खूबसूरत 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 रिलेशनशिप खूबसूरत ना वो मुझे तंग करती है ना मैं उसको तंग करता हूँ तो बेसिकली हैदर साहब एक बरिस्टा है घर के अंदर और बाहर भी जाते हैं तो लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं अपनी वो क्या कहते हैं वो कैफे आर्ट आर्ट वो क्या लाटे आर्ट क्या तुम सादे आदमी लाटे आर्ट कहते हो उसको यार हम गरीब लोग हैं हमें क्या पता तो जी अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि ब्रो की मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है तो ब्रो मैंने जैसे आपको बताया एक कैफियत है तो जब मुझे लड़के मारते थे स्कूल में या रैगिंग करते थे तो ब्रो होता था वहां पे कि यार हाथ लगा के दिखाओ तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा मैं सो एवरीबडी नीड्स अ ब्रो इन देयर लाइफ दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बताया मैंने वैसे बता चुका हूँ कि यार ब्रो जब कोई बोलते हैं मेटाबॉलिकली टैक्सिंग है तो हम लिख लेते हैं बड़े लफ्ज है हमारे लिए बहुत बड़े लफ्ज है तो हम ये बाद में यूज करेंगे वो कहते हैं ना ये छोटा हथियार नहीं बड़ा हथियार इसको बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे तो ब्रो ने हमें बड़ा ट्रेन किया हमारी जो आधी अंग्रेजी हमने सीखी हमने स्कूल से नहीं सीखी लोगों को लगता है कि हम अच्छे स्कूल में पढ़े तो हमने अच्छे स्कूल से सीखे नहीं हमें ब्रो ने सिखाई है मेरी 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 बात सुन हम दोनों ने एक ही स्कूल जाते थे हम दोनों एक ही स्कूल जाते थे वो अलग बात है कि तुम नहीं जाते थे और मैं जाता था तो इसीलिए ये डॉक्टर बन गया और मैं नहीं बना तो अब ये माशाल्लाह से NHS में इनको नौकरी मिल चुकी है ये GMC का इनके पास लाइसेंस आ चुका है GMC क्या होता है जनरल मेडिकल काउंसिल UK हाँ डिटेल ला दो किसी को समझ नहीं आएगा श्योर नो वन्स अ डॉक्टर सो बेसिकली अब ब्रो UK में जाएगा नौकरी करेगा और लोगों को ठीक करेगा एंड माशाल्लाह यू नो दैट वाज हिज इवेंचुअल गोल एंड नाउ आई जनरली फील वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम तो ऑफ कैमरा हमने you wali hug ki and you know we always do that we're like oh, it's bro, like bro to bro you all need a bro in your life and main hamesha jab bhi bro ke ghar aata hu to no trip is complete without a cup of coffee and having fun with Zed Zed come in I don't know why I'm holding the coffee okay. coffee bas hamara chhota mota shauk hai coffee hamara ye hamara chhota sa shauk hai ye hamara shauk hai hamara chhota shauk hai ये हमारे साथ बैठे ये हमारे ग्रुप का एक हिस्सा है छोटा सा हम लोग को लिए यहाँ पे 2.5 लोग हैं और जब भी मैं इसके घर आता हूँ तो ये जो छोटा सा है ना इसका बेड टाइम भी हो जाता है ना तो ये सोता नहीं है किसको पता है बुलो इज कमिंग ये अपने आप को ना वो नहीं होता बच्चे जो छोटे होते जो अपने आप को उठा के रखते आंखें ऐसे ऐसे खोल के रखते अब बड़ा हो गया है ना इसकी उर्दू इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो गई है किधर से लाए उर्दू दराज से तो नहीं खरीदी पहले तो आप नहीं बोलते थे तो जी आपको अब दिखाते हैं ब्रो का पूरा एक
कॉफी का सेटअप और बड़ा नेक्स्ट लेवल सेटअप है ब्रो. शुरू से बड़ा पैशनेट था कॉफी के बारे में, तो जहाँ भी कहीं मौका में जाएं कहीं भी जाएं आपको पता है आवाज़ भारी हो जाती भाई की. तो जब भी हम जाते थे कहीं यू नो किसी कैफे में कॉफी शॉप पे, तो वहाँ पे बैरिस्टा के साथ ब्रो खड़ा हो जाता था कि यार मैं फ्री में कॉफी बनाता हूँ यहाँ पे. यार कॉफी बनाते हैं, मैं डबल एस्प्रेसो. डबल एस्प्रेसो बिल्कुल. ये जाके कहते थे मैं मीठी वाली चाहिए. अरे अरे फिर एक बात है, हमारे हमारे जैसे देसी लोगों को तो पता भी नहीं होता. तो ये हमें ब्रो ने बताया कि यार देखो ये मौका होती है, ये वाली हेजलनट होती है, ये एस्प्रेसो होती है, ये अरेबिका बीन्स होते. हमें तो पता भी नहीं था. मैं मुझे होता था कॉफी मीठी, वो ठंडी कॉफी गर्म कॉफी. That is it. I'm bro 2.0 because I know better English than. Oh, oh. Was that a burn against me? No. No, you're not supposed to burn me. It was just a bro. Ah, that's a bro. तो जी आपको ब्रो का कॉफी सेटअप दिखाते हैं क्योंकि हम अभी वहीं जा रहे हैं. तो चलें नीचे जा रहे हैं. बिल्कुल नीचे क्यों जा रहे हैं, ऊपर है भाई कॉफी. क्योंकि द थिंग इज के मैं थोड़े अरसे बाद आया हूँ. हाँ. तो मेरा सारे इक्विपमेंट मामा ने नीचे इस वजह से रख दिया था क्योंकि एस्प्रेसो मशीन नीचे है. एस्प्रेसो मशीन ग्राइंडेड. लेकिन मैं आपको अपना प्रॉपर वो जो मेरा कैफे बार है मैं आपको वो जगह. अच्छा ये ना एक फ्रॉड करता था मेरे साथ. जब भी मैं इसके घर आता था ना तो मुझे क्योंकि शौक होता था कि इंस्टेंट कॉफी तो मैं घर पे ही पीता हूँ. मुझे शौक होता था कि यार ऐसे करके एस्प्रेसो मशीन से कॉफी निकले. ब्रो मैंने कहा यार ये ब्रो उसमें ना वो फील नहीं आ रही, वो टेस्ट नहीं आ रहा. अब इसको समझ आ गई कि यार इसको तो पता चल जाता है. तो फिर इसने मुझे एक दिन बता दिया कि यार वो मैं तुम्हारे साथ यार फ्रॉड करता हूँ. देखो मैं तुम्हें इंस्टेंट कॉफी पिला. शुरू में ना शुरू में कॉफी बीन्स है यहाँ पे, अच्छे कॉफी बीन्स बहुत महंगे आते हैं. तो मैंने कहा जिसको पता नहीं उस पर, जिसको पता ही नहीं उसमें. देखो आप कंजूस आ रहे हो. 6 महीने में एक दफा मैं घर आता हूँ. और मैंने ये भी बता दिया कि यार देखो इसका ना घर है दूसरे शहर में गाँव में, तो इसीलिए ये हमारे गांव वाले यार ऑफेंड नहीं हो ना. बिल्कुल गांव का पॉइंट ये है कि दूर बहुत नहीं. आपको मैं मजे की बात बताऊं, ये बंदा शहर में रहता है लेकिन जो मजा गांव में रहने का है ना कसम से. खुली हवा, मतलब कोई बंदा नहीं, कोई बंदा नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं. बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कंफर्टेबल रहते हैं. असल में जैद का जो टाइम है ना लैपटॉप टाइम, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जो बच्चे हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं इस बच्चे की नजर बिल्कुल ठीक थी. इसने बहुत ज्यादा गेमिंग की है और अब आप इसकी ग्लासेस देख लें. अच्छा नो वी आर नॉट कटिंग दैट आउट. दैट वी आर नॉट कटिंग दैट आउट. दैट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेज. सारे बच्चे देख लें. जो भी बच्चे ज्यादा लैपटॉप करते हैं इस बच्चे का स्क्रीन टाइम 4 से 6 घंटे हो गया. और ये डॉक्टर बोल रहा है, ये डॉक्टर बोल रहा है. फिर मामा ने इस पे सख्तियां की है हमारे घर में. इसने बहुत लड़ाई झगड़े भी किए हैं, लड़ाई झगड़े भी किए हैं, लेकिन अब ये ठीक हो गया. एवरी सिंगल टाइम ये नहीं काटे. मैं जब भी इसके घर आया ना तो जैद कहता था हे यू वांट टू प्ले Roblox, यू वांट टू प्ले माइनक्राफ्ट. मैं कहता था यार ये कौन सी बुलाए क्या चीज है. फिर मुझे ऐसा बोलता था यार ये गेम है. और ये 4-4 घंटे गेम खेलता रहता था. वो कहते हैं ना कि मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, तो इसके लिए तो वाकई अल्लाह की रहमत होती है. जब हमारे घर मेहमान आते थे तो मामा बिजी हो जाते और इसको सोने को कोई नहीं बोलता. सोने को कोई नहीं, बिल्कुल लैपटॉप पे 4-4 घंटे लगा रहता था. सो पॉइंट ये कि ब्रो और हमारा जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है. बहुत पुराना है ब्रो, बहुत पुराना है बिल्कुल. तो चल नीचे चले. चलो चल डायरेक्टली चल. तो अभी मेरा सारा इक्विपमेंट तो नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन जो जनरली जिस जगह पे मेरे सारा कॉफी का मैजिक होता है इनकी तस्वीरें भी है बहुत ज्यादा यहाँ पे. मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. और हम इसको इतना पकाते थे यहाँ पे. ये जो बेसिकली कॉर्नर है ना, ये बॉयज कॉर्नर होता था. तो जी ब्रो ने मुझे कुछ याद कराया और अभी उसने बोला कि यार 4 अल्फाज अर्ज मैं करना चाहता हूँ. तो मैंने कहा हाँ हाँ करो जरूर. तो हम लोग वापस पाकिस्तान आए. खैर हम लोग नहीं, आप हाँ है तो हम लोग सारे है तो देसी ना. तो ये देखिए हमने मेरे ख्याल में जैद ने पिछले महीने ऑरेंज जूस पिया था. इसमें क्या आया था, कौन सा जूस आया था? कोई नहीं आया था. पिछले साल से इतनी ज्यादा इसकी के इसकी बर्थडे मनानी है तुम लोगों ने इस्तेमाल कर करके. तो ये बेसिकली अगर आप इसको भर भर के हम फ्रिज में रखेंगे. यार ब्रो तुमने करोड़ रुपए वाली स्टोरी बतानी है, हमने करोड़ रुपए कैसे बचाए हैं. तो जी मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मैंने और ब्रो ने मिलके 3 साल में 1 करोड़ कैसे बचाया. 1 करोड़ बचाया. तो ये आपको सोच के बड़ी हैरत होगी. और ये और हमने बचाया भी खाली बोतल से. एक कैसे बचाया कि देखिए हम लोग पीते हैं दिन के कोई 7-8 लीटर पानी. बिल्कुल क्योंकि जिनको नहीं पता बॉडी बिल्डिंग में पानी तो पीना भी होता है. हमें प्यास भी ज़्यादा लगती है. तो अब हर इंसान को बाहर से पानी लेना पड़ता है और 50-60 रुपए की बोतल आप लेते हैं. इसमें कंजूसी की बात नहीं है. 50-60 रुपए तो ठीक है ना, लेकिन जब रेस्टोरेंट जाते हो हाँ 200 रुपए की हो जाती है. तो व्हाट वी डू इंस्टेड इज मतलब ये तो बहुत छोटी है लेकिन हमारे पास
इतने इतने बड़े गैलन होते, बड़े गैलन होते मतलब कोई 2.5-3 liter की हमें बोतल है मेरे ऊपर पड़ी भी होगी। हाँ, वो हम घर से रिफिल करके जाते घर से रिफिल, तो हमने कभी बाहर से पानी नहीं खरीदा। लेकिन इसमें इवन दो मजाक अपनी जगह, लेकिन इसमें हमारा जो सबसे बड़ा मोटिव था दैट वाज टू सेव प्लास्टिक। क्योंकि आप देखें, आप हर दफा एक नेस्ले की बोतल लेते हो, आपका जो खाली बोतल है इट एंड्स लैंडफिल में, और ये लैंडफिल जो सारा कुछ जाता है ये ओशंस में जाता है, और अब लोगों के लंग्स में, लोगों के पेट में, मछलियों में माइक्रोप्लास्टिक्स आना शुरू हो गया। मतलब काफी लोगों को ये कोई मेजर एस्पेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन है। लेकिन अगर आप You know, मैं भी ये करूं, अगर हर बंदा ये प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल करना बंद कर दे और रिफिलेबल बॉटल्स करे, तो the amount of waste that we can save, it's massive. सोचे, you only need to know the सोचे. 4 R's: recycle, recycle, reduce, remove, and what was that? रक्षा। अच्छा जी, तो कॉफी टाइम। सबसे पहले हमने कॉफी ले ली। दिस इज ये एस्प्रेसो, ये स्वीट मरियास की एस्प्रेसो मंकी ब्लेंड है। अ होल बॉक्स ऑफ दिस। फ्रिज बंद करो, मैं चीजें ना दिखाओ सबको। दिस इज ऑथेंटिक एस्प्रेसो। तो ये जी हमारे बरिस्टा। ये यार मेरे इतना अच्छा नहीं है अभी, तुम मुझे कॉन्शियस कर रहे हो। खैर है, चलो इसको ब्राइट करो यार। हाँ हाँ, ब्राइट है। ये देखे, मैंने कोशिश करेंगे छोटे मोटे, एक जो हमारे बलोच भाई के फॉलोअर्स है, ये हमारा दिल क्योंकि उन्हीं के पास है। ओ भाई, ये पूरा निटेला का जार है भाई। ये देखिए, ये हमने बलोच के लिए दिल बनाया है। ऊपर से हम एक और छोटी सी एक चीकी चीज करेंगे अपने भाई के लिए। इस पे हम लोग लिखेंगे ए, लिख देते हैं मेरे ख्याल में। तो ये देखिए जी, आपका एक ए आ गया, ये हमारे भाई का। तुझे पता है ना, हैंड राइटिंग तेरी वैसे भी बहुत बुरी है, तो अगर आपने जिंदगी में सबसे बुरी हैंड राइटिंग वाला डॉक्टर देखना है तो वो ये है। तो ये मैंने अपना सारा जो बैग वगैरह है, गिटार का, ये ले लिया है। अलविदा कहने वाले हैं, 6 महीने बाद हम मिले हैं। फेल्ट रियली नाइस। और ये हमने अनिया के लिए, ब्रो ने बर्गर बनाया था, तो ये बर्गर भी हम ले जाएंगे। एक बर्गर ने दूसरा बर्गर हमें दिया है। यार तुम बुरे हो। भाभी का हिस्सा तो रखना होता है ना, तो ये आपकी भाभी के लिए हम लेके जाएंगे यार। तो जी ब्रो, ऑल द वे गाड़ी तक आया हमें बाय बाय बोलने के लिए। तो चलो ब्रो, इंशाल्लाह मिलते हैं, इंशाल्लाह। ओके, फिर दोबारा करते हैं जाने से पहले। ये ना हो कि 1 महीने बाद जब आप जा रहे हैं तभी हम मिले, बीच में मिलते हैं। बीच में मिलते हैं इंशाल्लाह। लेकिन अब आप इस्लामाबाद आएंगे, हम यहाँ नहीं आएंगे, सोचा जाएगा। चलो ओके। तो जी अनिया का मैसेज आया था कि मुझे कुछ मीठा खाना है, तो आई आस्क्ड इफ शी वांट्स चॉकलेट्स, बट शी डजंट, शी वांट्स आइसक्रीम। तो आइसक्रीम पार्लर पे तो मैं नहीं जा सकता, सो आई जस्ट ड्रॉप्ड बाय पेट्रोल पंप। तो अब यहाँ पे जरा जो स्टोर है वहाँ पे देखते हैं, अगर आइसक्रीम हुई तो ठीक है, वरना किस्मत। ओह, फाउंड व्हाट शी वांटेड, शी लाइक्स कॉर्नेटो। तो ये वनीला कैरमल डस्ट लेते हैं अनिया के लिए, और अपने लिए मैं ले लेता हूँ आई थिंक अनार वाली। तो जी मैं यूजुअली जब थोड़ा सा दूर होता हूँ ना, 2 मिनट, तो मैं कॉल कर देता हूँ कि दरवाजे खोल दें ताकि पहले से खुला। तो ये जी मैडम अब खोल रही हैं। हेलो सर, प्लीज सर। मैडम मैं आ रहा हूँ सर, प्लीज। आ रहा हूँ मैडम, आपके लिए बर्गर भी है। जी जी, ये बर्गर पड़ा है। और सर मैं आपका गिटार ले रहा हूँ। जी जी, गिटार ले। मैडम आपको वो नहीं अच्छा लगा था? आइसक्रीम नहीं अच्छी लगी, मैंने आपको बताया। जी जी, मैं तो मैंने वाली बहुत गंदी, उस दिन तो बड़े शौक से खा रही थी। कोई नहीं, इतनी गंदी थी, मैंने पहली दफा खाई थी, बोला भी था अच्छी नहीं है, इतने शौक से खा रही। अब लोग बोलेंगे कि बेचारी बीवी को मजदूर बना दिए, काम करा रहे उससे। सर आपने मेरी गाड़ी इतनी गंदी कर दी है, आप ही साफ। मैडम मैं तो गाड़ी हमेशा गंदी करता हूँ, आपको पता तो है। सर आप ही साफ करेंगे। बर्गर हैदर ने बनाया है। अंदर आया हूँ, एक बड़ी रॉयल फीलिंग आ रही है मुझे। सर मैं आपका गिटार। अच्छा तो जब मैं नहीं था तो आपने क्या किया घर पे? सर मैंने सफाई की कमरे की। अच्छा,
मैं झाड़ू लगाया, अच्छा मैं पोछा लगाया, अच्छा मैं चादर चेंज की, मैंने अंदर से दरवाजे साफ की, ऑर्गेनाइजिंग। ये आप लोग ऐसे नोटिस करेंगे, देखिए मैं ब्रो से जब मिलता हूँ ना तो मेरा एक्सेंट ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाता है, तो ये अब ऑटोमेटिकली मैंने ट्रांसफर भी कर दिया निया को। ऑर्गेनाइज दिस टू। So basically when I came back, I just noticed that Ania organized every single thing. तो मैं मुझे कॉल भी उसने बोला, पहले उसने मुझे बोला था कि मतलब ना I'll organize the room और मैं उसको ज़रा साफ वगैरह करूँगी, and then she called me and then she's like, yeah please. तो she's like, you know, नहीं मैंने नहीं किया, you know, अम्मा के कामों में लग गई थी, and अब आपको दिखाते हैं, she did my cupboard. So यहाँ पे शलवार कमीज, टी शर्ट्स, उधर पोलो शर्ट्स, एंड यहाँ पे ड्रेस शर्ट्स, ड्रेस पैंट्स, माय जिम बैग एंड माय ऑर्थो पिलो, एंड वहाँ पे डब्बे वगैरह, एंड माय सूट्स, माय टाइज, सॉक्स, शूज, नाइट सूट्स, जिम वेयर, स्लिपर्स। सो she did a pretty good job. I'm so proud of her. Listen. Yeah. I wanted to tell you something. Yes. I'm so proud of you. अच्छा जी, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि अनिया तो अपनी स्किन केयर करके बैठ गई, तो मैं रोज रात को इन बिटवीन है. सो आई यूजली सिंग ऑल माई सॉन्ग्स टू हर, या तो मैं अपने लिए बजाता हूँ या मैं इसके लिए बजाता हूँ, बिकॉज शी इज माई नंबर वन फैन. तो अगर आप हेट भी देंगे मुझे तो कोई बात नहीं, मेरी बीवी सुनने के लिए है यहाँ पर बैठी. ओके, कैन यू सिंग अ सॉन्ग दैट आई नो टू? अज जाननी मैं जान तेनू देना हूँ, गल संग वाली सारी मैं मिटा देनी हाँ, फोटो दिल दे कोने च जो लुका के सी मैं रखी, अज अखा दे सामने कढ़ा देनी हाँ, तकदा ही जावा ना तेनू चावा, नजरा तेरे तो ना हटावा मैं, तेरा इंज शर्माना अखा नू जकाना, तेनू देखदा ही था मर जाना मैं, किन्ना चिर तेनू दिल च लुका के रखिया, किन्ना चिर तेनू दिल च के रखे आ। अच्छा दूसरा गाना तुमने सुना एंड यू लाइक इट? सजना दूर तेरिया रावा तकन वे मेरिया बावा, मन विच तू रहना क्यों कुछ नहीं कहना, सुख दा सा मेरा अपनी आसावा, चलदा नहीं जोर भी मेरा, तेरी रूह मेरा डेरा, बाहों में खोके बस तेरी होके, आके खल जा तू अपनी आराम। Okay, we're done for today.